तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर को लगभग एक घंटे चलते हुए हो गया है अब इसको सर्विस पे लेके जाना है तो मैंने सोचा जो कमियाँ एक सौ घंटे चलाने के बाद जो मुझे कमियाँ महसूस हुई एज़ ए ओनर वो आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या कमियाँ इस गाड़ी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं तो आइए बताते हैं आपको जैसे कि ये गाड़ी है अगर आपको रोड पे लेके चलना हो ट्रॉली के एप्लीकेशन के लिए तो इस गाड़ी में जो पावर स्टेयरिंग है डूबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है और जब ट्रॉली लेके चलती है तो ये बहुत ही हल्का हो जाता है बहुत ही हल्का जिससे कि स्टेयरिंग स्टेबल नहीं हो पाती है और गाड़ी बार बार लहरती हुई समझ में आती है जैसे कि इसमें मैं मेरी गिट्टी वाली दुकान है तो मैं डेढ़ सौ बोरी सीमेंट जब लेके आता हूँ इस ट्रैक्टर से तो ये गाड़ी की स्टेयरिंग स्टेबल नहीं हो पाती है तीन नंबर में ही चलना पड़ता है चार नंबर पर आप नहीं चल पाएंगे बार बार गाड़ी इतना फ्री हो जाती है स्टेयरिंग की समझ में नहीं आता कि प्ले है जैसे लगता है प्ले हो गया स्टेयरिंग में और फिर दिक्कत करती है बार बार रोड पे स्ट्रेट श्ट्रे, ना जाके स्टेबल नहीं हो पाती है बार बार दाहिने बाएं दाहिने बहिने लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होने लगती है गाड़ी तो जिसको अगर रोड के एप्लीकेशन के लिए लेना है जैसे ट्रॉली चलाने के लिए मिट्टी उट्टी गिराने के लिए पावर स्टेरिंग ना ले वो पावर स्टेयरिंग लेगा तो ये दिक्कत आएगी दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप रोटावेटर लिए हैं या कोई हैवी एप्लीकेशन के लिए कुछ लिए हैं पीछे वेट लिए हैं और वेट लेने के बाद अगर आप इस्टेयरिंग को टर्न करेंगे तो इसमें से आवाज़ आने लगती है पतन क्यों आ रही है पंप से अब इसको जा रहे हैं एजेंसी पे सर्विस कराने के लिए एक घंटे हो गए हैं तो तो अब उसको बताएंगे जो वहाँ के सर्विस करने वाले हैं जो मैकेनिक है अब देखिए ठीक कर पाते हैं कि नहीं चूँ 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 ऐसे करके कुछ आवाज़ आती है लगता है कुछ फट जाएगा कोई पाइप प्रेशर पाइप फट जाएगी जब आप पीछे से उसको हाइड्रोलिक को उठाएंगे और टर्निंग करेंगे तब ऐसी दिक्कत आती है इसमें एक ये दिक्कत है दूसरी चीज़ पहले से गाड़ी को हल्की कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं इस इसमें जब आप पैर रख के चढ़ेंगे तो ये नीचे झुकता है पहले ऐसा नहीं होता था ये नीचे जाने लगता है ऐसे ऐसे तो ये कुछ लगता है कमज़ोर सा है चढ़ने पर मतलब मन में एक ऐसा बना रहता है कि कहीं टूट ना जाए डैमेज ना हो जाए तो बचा के थोड़ा चढ़ना पड़ता है और वेट देने के बाद भी आगे इस गाड़ी में जो ये दो वेट दिया है आप देख सकते हैं ये वेट के बाद भी गाड़ी जो है कि आगे से उछल के चलती है मतलब जंप करती उठती है आगे से ब्रेक व्रेक लेने पर आगे से बार बार उठती है तो गाड़ी के कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत ही हल्की कर दी गई है पहले वाली गाड़ी से पता नहीं क्यों इतना कर दिया गया है और ये एक दिक्कत है इसमें आइए पीछे दिखाते हैं आपको जो ये लिम्स दी हुई है आप देख सकते हैं काफ़ी पतला कर दिया गया है ये जो इसकी लिम्ब है काफ़ी पतली कर दी गई है पहले वाले लिम्स पहले कुछ ऐसी आती थी अब ये कुछ ऐसी आती है अब जॉइंट वगैरह देख सकते हैं अभी ज़्यादा तो अपलिकेशन में नहीं लिया हमारे यहाँ गिट्टी वाली दुकान है तो उसमें अक्सर करके ट्रॉली में चलती है तो इसलिए बता देना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं ये सब बहुत पतला और कमज़ोर कर दिया गया है इसमें पहले के मुकाबले जो पहले ट्रैक्टर आते थे चूँकि मेरे पास दो सौ पैंसठ डी आई पहले वाला भी है तीस आस पावर वाला तो वो काफ़ी मजबूत है इसके कंपेरिज़न में और तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म करता है आज भी अगर उसमें ट्राली में उसको चलाते हैं और इसको चलाते हैं तो दोनों में अंतर आता है ये स्टेबल नहीं हो पाती है वो स्टेबल होकर ज़्यादा चलता है दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि इतने दिनों में जितने दिन में गाड़ी आई है ये।, ये डिस ऑयल एमस डिस्क ब्रेक होने की वजह से या जिस वजह से ये गाड़ी टायर बहुत ज़्यादा मार रही है एक घंटे में आप देख सकते हैं ये पीछे वाला हिस्सा टायर को खपत कर रही है ज़्यादा खपत कर रही है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए एक घंटे में आप देख रहे हैं ये देखिए ये ख़त्म कर और ये पीछे से टायर मार रही है गाड़ी जैसे कि आप ब्रेक लेते हैं गाड़ी ऐसे रोटेट कर रही है तो ये आगे वाला ये ख़त्म होना चाहिए ये पीछे वाला सिस्टम इसका ख़त्म हो रहा है जो टायर के गोटी हैं रिज हैं इसमें ये पीछे से खत्म कर रही है पता नहीं क्यों ये ले जाएंगे तो ये भी मिस्त्री को बताना है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है गाड़ी और पावर स्टेयरिंग होने की वजह से जब आप कटाव करते हैं पावर स्टेयरिंग तो एक जगह पर कट जाती है तो आप ध्यान से देखिए ये चीज़ ख़त्म कर रही है गाड़ी यानी बहुत ही जल्दी आपको टायर चेंज करने पड़ेंगे विद इन वन टू टू ईयर हमको ऐसा लगता है कि अगर लगातार रोड पर चलती रही गाड़ी आपकी तो ये टायर आप देख सकते हैं ख़त्म कर रही है गाड़ी बार बार कटिंग की वजह से तो ये इसका समझ में आता है पावर स्टेयरिंग है तो लेकिन ये पीछे वाले टायर का समझ में नहीं आता और टायर जो है काफ़ी कॉस्टली आते हैं तो ये किसान के ऊपर खर्च का बोझ है समझ लीजिए ऐसा है कि दूसरी इसमें तो और कोई कमी नहीं है बाकी गाड़ी ठीक है अगर आपको खेती के पर्पज़ से लेना है थोड़ा बहुत अप्लीकेशन हो आपको जैसे कि धान गेहूँ चावल इधर से उधर करना हो या अपने एग्रीकल्चर का जो भी सामान है उसको अगर इधर से उधर करना है तो मैं कहूँगा कि गाड़ी को पावर स्टेयरिंग में न लें आप ये गाड़ी मुझे पाँच लाख पचास हज़ार की पड़ी है कल्टीवेटर के साथ तो और पावर स्टेयरिंग भी है इसमें जो भी एडवांस फीचर है इस गाड़ी में वो है पैंतीस लाख पावर में तो आप जब उसको नहीं लेंगे तो 10 से बीस हज़ार रुपये कम हो जाएगा और गाड़ी स्टेबल होकर चलेगी इसमें कटिंग करते समय आपको बिल्कुल लोड नहीं पता अगर आगे ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो नया आदमी चलाने में दिक्कत होगी जो कई पावर स्टेयरिंग नहीं चलाया है उसके लिए इसमें समस्या है बाकी गाड़ियों का तो मैं नहीं बता सकता लेकिन इसमें बहुत बड़ी समस्या है गाड़ी स्टेबलाइज नहीं हो पाती है बिल्कुल नहीं स्टेबलाइज हो पाती ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार